पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय, हाय हाय हाय। मुख्यमंत्री हाय हाय, हाय हाय हाय। स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय, हाय हाय हाय। सरकारी अधिकारी हाय हाय, हाय हाय हाय। स्वास्थ्य विभाग हाय हाय, हाय हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आप लोगों का मुख्यमंत्री अखबार के सुर्खियों में यह होता है कि गर्भवती महिलाएं कांडी स्वास्थ्य केंद्र से रेफर करके मझियाओं भेजा गया और पहुंचते पहुंचते तक उसके दम घुट गए और उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार की लगातार इस प्रकार की घटनाएं हमारे अपने क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कांडी उप स्वास्थ्य केंद्र 16 पंचायतों का जिम्मा है और अगर 24 घंटा यह अस्पताल खुला न रहे तो कई लोगों की मौत हो जाती है और छोटी मोटी घटनाएं या फर्स्ट एड से लेकर के या गंभीर समस्या को लेकर के अगर कांडी स्वास्थ्य केंद्रों में लोग पहुंचते हैं अपनी पीड़ा को लेकर के तो या तो ताला बंद दिखता है या तो डॉक्टर ही नदारद रहते हैं। वैसा ही आज 4 लोगों जब घायल हुए और वह कांडी के स्वास्थ्य केंद्र जब पहुंचते हैं तो वहां पर डॉक्टर नदारद रहते हैं और दिन के घड़ी के 12 बजते हैं। क्या 12 बजे स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं उपस्थित होने चाहिए? हम लोगों का मांग है कि कांडी स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटे खुले रहे और लगातार डॉक्टर की उपस्थिति हो। और इतना ही नहीं, जो लोकल यहाँ पर मेडिसिन दुकान वाले हैं, जो उसके आसपास घिरे होते हैं, जो पुर्जे लेकर के अपने दुकान तक पहुँचते हैं, उन पर FIR हो और जो डॉक्टर नहीं आज उपस्थित थे उन पर भी FIR हो और कड़ी से कड़वाई मांग की उम्मीद रखता हूँ। और 4 परिवारों को सरकारी मुआवजा और जो भी सरकारी विधि व्यवस्था होती है उनको पूरा करने का मैं हम सभी ग्रामीण जनता आज सड़क जाम किए हुए हैं इसी को लेकर के ताकि हमारी मांगे पूरी हो। घटना घटने के बाद कोई बड़ा नेता या बड़ा अधिकारी कोई अभी तक की इसकी अभी तक कांडी BDO तो उपस्थित नहीं है, वो फिलहाल अभी रांची से चले हुए हैं। हमारे पास उपस्थित है कांडी थाना प्रभारी और बडीहा प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसमें डिलीवरी की सुविधा है इस हॉस्पिटल में? नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं है। अगर अंतिम सांस लेता भी यह देखा जाता है कि अंतिम सांस भी अगर कोई व्यक्ति लेता हो तो उसे ऑक्सीजन लगा करके उसकी इलाज किया जा सकता है और उसकी जान बच सकती है, जो कि यहाँ पर यह व्यवस्था नहीं है। चलिए, जानकारी देने के लिए TH न्यूज 11 में धन्यवाद। दूसरी मेडिसिन है यहाँ पर, क्या मांग है? मेरा मांग है, हम लोग का पूरा ग्रामीण जनता का मांग है कि चनू जो मेडिसिन खोले हुए हैं, जो भी अपना अधिकारी समझते हैं, डॉक्टर समझते हैं, वही पूरा जो भी पर्ची मिलता है दवा लेके वही देते हैं। चनू कौन है? चनू एक मेडिसिन का जो क्या है दुकानदार है, मेडिसिन शाह जो भी है दुकानदार है, अपना मेडिकल खोले हुए हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मेडिकल का नाम क्या पता है? मेडिकल का नाम देखा नहीं है क्या है? अच्छा, मेडिकल में वो रहते हैं कि हॉस्पिटल में रहते हैं? वो हॉस्पिटल भी में नहीं रहते हैं, मेडिकल में नहीं रहते, इधर उधर घूमते रहते हैं, जो भी आता है बोलता है कि हाँ आज दवाई के साथ। मतलब ग्रामीण जनता जो इलाज कराने के लिए वहाँ जाती है तो वहाँ पे चनू कुछ बोलते भी हैं? बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब आ जाएंगे, दवा क्या हुआ, क्या करना है। अच्छा, फर्स्ट एड का कुछ दवा देते हैं, बस बोलते हैं कि ठीक है अभी आ रहे हैं डॉक्टर। दवा वही देते हैं? दवा भी वही लगते हैं, जो भी एक तरह से अधिकारी समझते हैं अपने आप को। अच्छा, पूछने के बाद क्या बताते हैं? बोलते हैं कि ठीक है इतना मिला लीजिए, अब इसके बाद हम डॉक्टर आएंगे तो फिर चेक करा लीजिए। मतलब आप ये बात पूछते हैं कि आप इस विभाग में आप डॉक्टर हैं कि कंपाउंडर हैं कि कोई अधिकारी हैं, आप पूछे उनसे? वो बोलते हैं हम हैं ना जी, कुछ भी आपको ठीक होने से मतलब है ना, यही बोलते हैं। अच्छा, इसकी सूचना आप सरकारी अधिकारी को दिए? बहुत बार दिया, बहुत बार हम लोग दे चुके हैं डॉक्टर के लिए, ब्लॉक के लिए, हर चीज़ के लिए दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। लिखित में भी कहीं आवेदन दिए हैं? लिखित में नहीं दिए, हम लोग ट्विटर के माध्यम से दिए हैं, फेसबुक के माध्यम से दिए हैं, कांडी कैसा व्यवस्था है, नहीं कोई उस रिप्लाई भी नहीं आता है वहाँ पे। आपको लिखित में आवेदन देना चाहिए था, फिर भी अभी जो गलती मान लीजिए कि अधिकारी से हुई है, जो लापरवाही बरत रहे हैं, एक बार पुनः आप लोग चाहेंगे कि आवेदन दे करके? हाँ चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे, डॉक्टर को और ये सुविधा कराएं? हाँ, सुविधा कराने के लिए हम चाहेंगे, लिखित देने के लिए। आप सभी सहमत हैं जी? यहाँ से डॉक्टर को हटा दिया जाए, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ से डॉक्टर को यहाँ से हटा दिया जाए, दूसरे को उपस्थित किया जाए। डॉक्टर ये नहीं तो हटेगा। अभी हम लोग आम जनता की मांग है कि यहाँ के डॉक्टर जो हैं इनको हटा दिया जाए, दूसरे इनको बुलाया जाए।